अजय, तुमने एशिया टेलीकॉम में और कोई स्टूडेंट को रिफर करा है? हाँ सर। किनको किया है? अपने भाई को किया हूँ। और भाई को? हाँ। चाहते तो तुम भी बता सकते थे ना। हाँ सर, है ना। आपने एशिया टेलीकॉम क्यों पूछा है? क्योंकि सर, एक टीचर जो नॉलेज देगा वो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा। वो स्टूडेंट नहीं दे सकते। बात करूँ आपकी कमाई की, तो आपकी कमाई जो एशिया टेलीकॉम को जब आपने मार्च 2021 में ज्वाइन किया था जी सर, और आज की कमाई में कितना फर्क है? करीब करीब पाँच गुना फर्क जी सर। तो इसके पहले आप नॉर्मल सीपीयू वगैरह या इस पे काम, पेस्टेड सीपीयू पे काम करते थे? नहीं सर, जैसे देख के डर लगता था। अच्छा। काम तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई डर है क्या? नहीं सर, अब तो बिंदास कर लेते हैं। कोई ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो या डुअल लेकर हो। अजय, आपसे कुछ बोला गया था, तो वो जो बोला गया था तो वो बात पूरी हो रही कि नहीं? आपको एशिया टेलीकॉम आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल सपोर्ट दे रहा था। वर्चुअल सपोर्ट की बात करूँ तो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलता है? मिलता है सर, जो भी पूछो तुरंत रिप्लाई मिलता है। आप किसी प्रकार का कोई पैसा व्यय कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार की कोई फीस? नहीं सर, बिल्कुल। कोई बीपीडी असेंबली या किसी प्रकार का कोई खर्च? नहीं सर, कुछ नहीं, सब फ्री है। सब फ्री है जी सर। आप कौन सी बैच के स्टूडेंट हैं? जी 28 मार्च 2021। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। ये स्टूडेंट है हमारे, बैकअप में आए हुए हैं, और इसकी डेट हमारी होती है 24 तारीख। 24 तारीख के स्टूडेंट है, बैकअप में आए हैं और अभी डबल डेकर के बोर्ड पे काम कर रहे हैं। आज इनकी डबल डेकर की क्लास थी। जी अजय। कहाँ से भाई? यूपी से। यूपी से। अजय, आज क्या क्लास थी? आज क्या बैकअप का स्टूडेंट है? हाँ सर। आप किसी प्रकार का कोई पैसा व्यय कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार की कोई फीस? नहीं सर, बिल्कुल। कोई बीपीडी असेंबली या किसी प्रकार का कोई खर्च? नहीं सर, कुछ नहीं, सब फ्री है। सब फ्री है जी सर। आप कौन सी बैच के स्टूडेंट हैं? जी 28 मार्च 2021। 28 मार्च 2021 है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी डुअल लेकर। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी 2022। और महीना कौन सा है ये? मई का। मई का है ना, मई का मंथ, मई मंथ है जी सर। तो कितना समय हो गया आपको? करीब साल, एक साल से ऊपर हो गया। हाँ, साल भर 2 महीना हो गया आपको, है ना, मतलब 14 महीने हो गए जी सर। तो अजय, आपसे कुछ बोला गया था, तो वो जो बोला गया था तो वो बात पूरी हो रही कि नहीं? आपको एशिया टेलीकॉम आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल सपोर्ट दे रहा था। वर्चुअल सपोर्ट की बात करूँ तो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलता है? मिलता है सर, जो भी पूछो तुरंत रिप्लाई मिलता है। और अभी यहाँ पर आए तो किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका डबल डेकर का कुछ कॉन्सेप्ट था, आपके कुछ बग्स एरर थे, तो वो क्लियर हुए आपको? पूरे क्लियर हो गए सर। पूरे क्लियर? हाँ सर। ऑनेस्टली सर, तो अजय बात करूँ आपकी कमाई की, तो आपकी कमाई जो एशिया टेलीकॉम को जब आपने मार्च 2021 में ज्वाइन किया था जी सर, और आज की कमाई में कितना फ़र्क है? करीब करीब पाँच गुना फर्क जी सर। तो इसके पहले आप नॉर्मल सीपीयू वगैरह या इस पे काम, पेस्टेड सीपीयू पे काम करते थे? नहीं सर, जैसे देख के डर लगता था। अच्छा। काम तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई डर है क्या? नहीं सर, अब तो बिंदास कर लेते हैं। कोई ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो या डुअल लेकर हो। अजय, एक जो व्यक्ति होता है, फ्रेशर होता है, उसको कितना ज़रूरी है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट का चुनाव करे कि जहाँ 6 टीचर पढ़ाने वाले हों? क्या उसको ऐसे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना चाहिए कि एक ही टीचर उसको वहाँ पर, उसको हार्डवेयर भी पढ़ा रहा है, एक ही टीचर सॉफ्टवेयर भी पढ़ा रहा है, एक ही टीचर एमएनसी भी पढ़ा रहा है,
एक ही टीचर जो उनका हैंड स्किल वाला काम है वो भी एक ही टीचर करवा रहा है और बैकअप के लिए भी एक ही टीचर है, तो ये संभव हो पाता है कि नहीं? सर, एक टीचर कभी भी मतलब सही से पढ़ा नहीं पाएगा। आपने जहाँ पे ट्रेनिंग ली, वहाँ कितनी बड़ी टीम है? बहुत बड़ी टीम है सर, कम से कम 8 लोगों की टीम है सर। तो अभी जो आपको जो यहाँ पर एशिया टेलीकॉम से जो पढ़ने के बाद जो सपोर्ट मिल रहा है वो उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम सर्टिफाइड है सर, 100%। और यूपी से कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप उसको? सर बोलेंगे कि वो बिंदास आए, क्योंकि इससे बेहतर और कोई स्टूडेंट नहीं है। अजय, तुमने एशिया टेलीकॉम में और कोई स्टूडेंट को रिफर करा है? हाँ सर। किनको किया है? अपने भाई को किया हूँ। और भाई को? हाँ। चाहते तो तुम भी बता सकते थे ना। हाँ सर, है ना। आपने एशिया टेलीकॉम क्यों पूछा है? क्योंकि सर एक टीचर जो नॉलेज देगा वो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा। वो स्टूडेंट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या बोलेंगे ऐसे एक शब्द में पूछना चाहूँ तो एशिया टेलीकॉम और एशिया टेलीकॉम देवरत्न सर के बारे में? देव सर जो है उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत बेहतर है सर, बहुत बेस्ट टीचर है वो। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?